देखिए हम अपने नानी घर पे आए हैं दोस्तों। तो घूम के और अभी बज गया है शाम के 4:30। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी कितना टाइम हो रहा है देख लीजिए, 6 बज रहा है। मैं उठी हूँ 4 बजे का और हम लोग को कहीं जाना है घूमने, ठीक है। और जाना है तो ऐसे ही हम लोग चाय वाय पी रहे हैं। देखिए चाय भी मेरा बन गया है और रोटी सब्जी बना लिया। अभी बज गया 6, नहा भी लिए, पूजा भी कर लिए, रोटी सब्जी भी बन गया, सारा काम हो गया। बाबू को रेडी करके स्कूल भेजना है हमको, ठीक है। तब जा रहे हैं, पहले बाबू को मतलब संस्कार को स्कूल भेज लेंगे तभी जाएंगे दोनों बच्चों को लेके, नहीं तो बहुत परेशान करता है इसीलिए। तो चलिए तैयारी होने के बाद से आप लोग को मिलते हैं। हम निकल गए और आधे रास्ते पहुंच गए हैं, ठीक है। और हम लोग खा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा और बिटिया मेरी बैठी है, बाबू मेरा उधर बैठा है और ये खा रहे हैं। तो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग नाश्ता वास्ता करने के बाद से फिर जाएंगे हम लोग, ठीक है। जाने के बाद से आप लोग को दिखाते हैं कहाँ जाएंगे, ठीक है। बड़ी मम्मी रिकॉर्ड हो रही है आप। ये मेरी नानी है, देखिए हम अपने नानी घर पे आए हैं दोस्तों। इनके पीछे बैठी है बहुत बड़ी स्टार है, वो है बिट्टू। देखिए और दिखाते हैं कि ये कसक काहे मुंह छुपा रही हो जी। देखिए शर्म, क्या शर्म आ रहा है, निकल दिखाओ अपना मुंह। सुंदर नहीं है इसलिए हम बहुत गंदे लगते हैं, हम सुंदर नहीं है। हमारे घर दिखा ना तो क्या, मुंह दिखाओ जी, अपना चेहरा दिखाओ। ये कसक है, देखिए बस उधर घुमाइए। ये क्या है बहनी, राधे राधे बोलो। मेरी पोस्ट पर करी है यार, राधे राधे बोलो। डालना मत इसको, भले खींचो बनी डाल, ए बनी बोलो राधे राधे। सबको देख रही है इसलिए नहीं बोल रही है। ये देखिए मेरी मम्मी की बहन, मेरी मौसी का लड़का है। और देखो कैसे उसका अखिया चमक रहा है। आज इधर आप तो बुला रही है बच्चे को, तुम कैसे इसका अखिया चमक रहा है, मनाने जा रहा है। दादा आ गया, आ गया, बुला दिया। इधर देखिए ये बैठ के टीवी देख रहे हैं, ठीक है। और उधर मेरी बिटिया भी बैठ के टीवी देख रही है, देख सकते हैं आप लोग। और बाबू इधर मेरा घूम घूम के खेल रहा है। टी शर्ट नीचे करिएगा जी, देखिए सोफा कैसे चढ़ रहा है। ते ते बस ते ते करना है, देखा देखा। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, अरे बाप इधर नहीं। तो अभी हम लोग जाएंगे घर पे, खाना वाना खाने होने के बाद हम लोग जाएंगे घर पे। 3 बज गया है, ठीक है। बेटा उधर 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 उधर, मैं अपने बाबू को छोड़ के आएंगे संस्कार को। हाय बोलो, बोलो बेटा, हाय बोलो, हाय बोल दो बेटा। अब नहीं बोलेगा, शर्मा रहा है, कैसे छुप रहा, देख रहा है। बोलो, हाँ बोला तो है, बोल बोल के शर्मा रहा है। तो देखिए दोस्तों हम लोग पहुंच गए अपने घर जियापुर, ठीक है। देवरिया हम लोग गए थे नानी घर पे अपने, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है, हम लोग आए 8:30 बज गया है 9, ठीक है। तो मेरा काहे मार रहे हो उसको, क्यों मार रहे हो रे बार बार, बार बार उसको मार रहे थे। हम अपने बाबू को छोड़ के गए थे इसको, पगला को देखिए। तो मैं अपने बाबू को जो है यहाँ छोड़ के गई थी, आप लोग देख सकते हैं इसको। हम लेके नहीं गए थे नानी के घर पे इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा बदमाशी करता है, वैसे भी इसका स्कूल था इसके लिए हम लेके नहीं गए। और ये क्या कर रहा है प्रांजल, खेल रहा है प्रांजल। हाय बोलो बेटा प्रांजल, कैसा लग रहा है घर पे आके, कैसा लग रहा है। सच में बहुत ज्यादा थकान हो गया, बहुत ज्यादा हवा चल रहा था, हवा के मारे बाबू बहुत रो रहा था, बाबू बहुत रो रहा था ना। रास्ते भर हम जान रहे बड़हलगंज से लेके जीनपुर तक पूरा रोते हुए आया है, कैसे कैसे करके हम लोग आए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रो रहा था, क्योंकि अंधेरा और हवा बहुत ज्यादा चल रहा था, ठंडी का टाइम है, ठंडी भी लग रही थी इसलिए बहुत ज्यादा रो रहा था। क्या ठंडा लग रहा था, आओ मेरे पास आ जाओ। हमने कहा बहुत तेज नींद आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों भाइयों का प्यार देख लीजिए, देखिए कैसे अपने भैया के पास जाके बार बार सो रहे हैं। ये पागल बहुत नाटक करता है, ये नाटकवा मत मांगो।
तो देखिए दोस्तों, इधर इधर हो गया है दूसरा दिन, हम कल आ गए हैं घूम घूम के और अभी बज गया है शाम के 4:30 हो गया है, ठीक है 4:15। निकालो मत पैंट, वो नहीं पहना है नया कपड़ा है, क्यों नहीं मान रही हो तुम? अभी ऊपर से जब नहावा देंगे, कल नहला देंगे तब पहना नया कपड़ा, ठीक है? हाँ तो वो पैंट मैं पहनो, ऊपर करो वो पैंट, बहुत हर दुष्ट है छछुन कहीं की मान नहीं रही, बार बार बोली तो मतलब वो हम लोग कल गए थे तो मेरी बिटिया को देखते हैं क्या मिला है, कपड़ा मिला है कैसा है, एक बार बिटिया को पहना के दिखाएं क्या? नहीं, वो अलग से वीडियो बनाएंगे जब पहनाएंगे, तो अभी फिलहाल बस दिखा रहे हैं, देखें क्या मिलता है, हम ये भी नहीं देखे, बस देखने जा रहे हैं। ये क्या मिला है? ये क्या है? संस्कार प्रांजल का कपड़ा है जो बहुत क्यूट लगेगा पहन के, बाबू मेरा है ना, बहुत क्यूट लगोगे ना पहन के, टुन्नू नुन्नू लगेगा, भाई खा लो। इसका पैंट वो पहन ली है, और देखते हैं क्या मिला है, ठीक है? ये है गुड़िया रानी का कपड़ा जो बहुत अच्छा है, पिंक पिंक कलर, जो पिंक पिंक लड़कियों को पसंद भी आता है, छोटा सा स्कर्ट है, टॉप है, बड़बड़ाओ मत, चट से मारेंगे बम। ये मेरा कपड़ा है, तो जल्दी आओ, अच्छा लग रहा है पहनी कपड़ा ना, देखिए पहनी तो बहुत अच्छा लगेगा इसके ऊपर। ये मेरी साड़ी है जो बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है? इधर पेटकोट आ गया है, पेटकोट छोड़ो, तबीयत खराब था नानी का, उनको हम लोग देखने गए थे, फिर भी इतना सब कुछ दे दी। ये चूड़ी है, कंगन है, सिंदूर है, बिंदी है, बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है जो नहीं दिखा सकते वीडियो में, ठीक है? तो चलिए इतना बहुत है, बस ऐसे ही गए, जल्दी जल्दी में चले आए, नहीं बाबू बाबू इधर देखो बाबू, लेकिन आए, लेकिन क्या हुआ ना, देखिए आप लोगों, देखिए आप लोगों, नहाए तो है नहीं 4 दिन से, चल लेना ना कपड़ा पहनने, नहीं कि जब कल नहला देंगे तब अच्छे से पहन के तब वीडियो बनेगा ना पतली कमरिया पे। हाँ दो उठा के आओ, दो चटिया उठा दो रख दी पहले, ऐसा बहुत भड़बड़ा रहा है, एकदम आवाज़ कर रहा है दुनिया भर का, हाँ पूरा बड़बे खा जा सब। बहनी एकदम आगे बैठी थी, इसको बहुत ज़्यादा हवा लग गया था, पूरा रात हो गया था, हम लोग आते 8:30 बज गया, तो बहनी का थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, नहीं पहले वो पैंट पहनो अपना, तबीयत खराब हो गया था तो इसलिए दवा पिलाएं तब जाके आराम हुआ, अभी को सो के उठिए, खाना वाना खाई है। तो चलिए दोस्तों अब कहीं नहीं जाने वाली घूमने, क्योंकि बहुत थक गए हैं, 2 दिन 3, एक दिन बाबू के लिए दवा के लिए गए थे, फिर एक दिन गए थे वहाँ आजमगढ़ दर्शन करने, शिवरात्रि के दिन पता नहीं क्या नाम है भूल जा रहा, वहाँ गए थे दर्शन करने, और कल गए थे देवरिया नानी के घर पे। हेलो बेटी, बोल रही है, हेलो गाइस, हेलो बेटी, हेलो मौसी बोल रही है मोबाइल में, हेलो मौसी बोल रही है, मारेंगे चट से, घूम जाएगा फट। हम सारा कपड़ा धोए कल पहन के, हम लोग गए थे तो सारा कपड़ा वपड़ा धोए क्योंकि सब कुछ गंदा हो गया था, अभी भी साड़ी बाकी है धोने के लिए, एक साड़ी इधर रखी हुई है जो हम गए थे पहन के मंदिर में जो पूजा करने, वो साड़ी अभी यहीं पर रखी है, और एक साड़ी उधर रखी है, तो हम पहन के गए थे कल जो। हेलो गाइस, भाग, हेलो मम्मी, तो चलिए देखते हैं, हम लोग तो जा रहे हैं अब, हाँ बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया, तो प्लीज़ दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग है आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक है? लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया कुछ अच्छा लेके, तब तक चलते हैं, सारा सामान मारते, रूम बहुत गंदा हुआ है, बच्चे कर दिए हैं, तो चलिए हम रात में आए, ना खाना बनाए ना खाना खाएं, बस ऐसे ही सो गए हम लोग, रास्ते में खाए थे चाउमीन खाए थे, लेकिन चाउमीन से पेट तो भरेगा नहीं, लेकिन तो भी हम लोग सो गए खा, क्योंकि मन नहीं कर, बहुत थक गए थे, इसलिए खाना वाना कुछ नहीं बनाया, सुबह उठे हैं तब जाकर सारा काम किए, खाना वाना बनाए हम लोग खाए हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में आप लोगों से कुछ नया कुछ अच्छा, लेकिन ये भी बाय बाय बोल रहा है, बाय बाय बोल दो, बोल दो बाय बाय, बोल दो बाय बाय, बोल दो, नहीं बोलोगे? मेरे बच्चे बहुत दुबले पतले हो गए हैं, मैं पता नहीं क्यों, बहनी भी दुबली, देखिए बार बार चड्डी ही पहन रही है उसको छोटा छोटा कपड़ा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बार बार बाबू का चड्डी पहन रही है, ये सब कपड़ा ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, तो बार बार बोल रही हूँ, ठीक है बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ये भी बाय बाय बोल रही है, तुम भी बाय बाय बोल रही हो, एक बार डांस कर दो पतली कमरिया पे, पतली कमरिया कर दो एक बार, ऐसे कमरिया हिला दो, पायल पहनी हो क्या? पायल इसको चुभ रहा है, बोलिए मम्मा निकाल दो हम नहीं पहनेंगे ये, मतलब जल्दी कोई भी चीज़ पहनती नहीं है चुभने वाला, बस इसको मखमली मुलायम कपड़ा चाहिए, डांस कर रही है, ये भी कर रहा है, जब वो कर रही है तभी डांस कर रहा है, देखिए
ओके गाइस बाय बाय।